दोस्तों कल के डेट में यूएस में फेड का मीटिंग था जहां पे ये निर्णय लिया गया है कि 4 साल के बाद दोस्तों 50 बीपीएस पॉइंट का जो है इंटरेस्ट है उसको कट किया गया, जिसका मतलब ये है कि यूएस में जो लोन मिलेगा उसको अभी इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। और दोस्तों सिमिलरली हमारे देश में जो है आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी का मीटिंग समय समय पे किया जाता है, जहाँ पे ये निर्धारित किया जाता है कि आने वाले समय में बैंक कितना रेट पे आपको ईएमआई या फिर लोन जो है प्रोवाइड करेगा। सो इसका टोटली जो है कैलकुलेशन होता है आरबीआई का रेपो रेट पॉलिसी के ऊपर, जिसको हम जो है बेस इंटरेस्ट रेट जो है बोलते हैं बैंकिंग भाषा में। सो दोस्तों अगर ये बेस रेट जो कि रेपो रेट होता है ये अगर बढ़ जाता है तो बैंक का ईएमआई और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आपके जेब के ऊपर इसका असर पड़ता है और आपको ईएमआई जो है ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, मतलब अगर रेपो रेट जो है कम किया जाता है आरबीआई की तरफ से, तो वहाँ पे आपका लोन और ईएमआई का जो है इम्पैक्ट भी पड़ता है, जिसमें आपको लोन ईएमआई का पैसा जो है कम देना पड़ता है। सो दोस्तों कुछ इसी तरीके से जो है अटकलें लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कल जो है डिसीजन लिया था फेड का मीटिंग में जो कि यूएस ने, कि अपना इंटरेस्ट रेट जो है कम कर दिया है, वो भी 50 बीपीएस पॉइंट। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इंडिया भी जो है आने वाले समय में अपना जो रेट है रेपो रेट है उसको डिक्रीज कर सकता है 25 बीपीएस पॉइंट से, और इसका सीधा सीधा जो है मुनाफा या फिर बेनिफिट मिलेगा आप जैसे और हम जैसे लोग जिनको जो है लोन लेना है या फिर लोन चल रहा है या फिर क्रेडिट कार्ड लेना है, और उसमें जो भी इंटरेस्ट रेट है उसमें जो है इंटरेस्ट देने का जो है बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमको करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार, क्योंकि जो एक्सपर्ट है वो राय दे रहा है कि आने वाला जो मीटिंग है, मतलब ये नेक्स्ट महीने में अक्टूबर में, उसमें तो कम होने का कोई चांसेस नहीं है। लेकिन जो नवंबर दिसंबर में जो मॉनिटरी पॉलिसी का मीटिंग है वहां पे दोस्तों आरबीआई डेफिनेटली जो है अपना जो रेपो रेट है उसको डिस्काउंट मतलब कट कर सकता है, और जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमको लोन में और ईएमआई में दोस्तों इसका जो है इंपैक्ट दिख सकता है। सो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यूएस की तरह हमको भी जो है जल्द से जल्द अपना रेपो रेट को कम करना चाहिए, जिससे हमको इंटरेस्ट रेट या फिर ईएमआई में छूट मिले? आप अपना राय मुझे जरूर बता सकते हैं इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही वीडियो फर्दर देखना चाहते हो तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।